यहाँ पे इसको जो है तो डाउनलोड कर पाएंगे सिंपली। और डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को साइड में दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, ये है एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर फेसबुक या गूगल किसी से भी आप लोग लॉगिन हो। आप लोगों को बताने वाले हूँ कि आप लोग कई सारे ऐसी वीडियोस देख रहे होंगे कि कार्टून में, कार्टून जो है तो कार्टून के अंदर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कई बार कार्टून से आप लोगों को कॉमेडी दिखाई जाती है, कई बार आप लोगों से कार्टून के जरिए ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो सिंपली मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कार्टून वीडियोज अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं, और वही फ्री में जो एप्लीकेशन है वो उसको इंस्टॉल करके आप लोग कैसे बना सकते हैं। प्ले स्टोर में अवेलेबल है। सिंपली आप लोगों को प्ले स्टोर में क्या सर्च करना है, टीनक्राफ्ट। मैं आप लोगों को मोबाइल के थ्रू बता देता हूँ। टीनक्राफ्ट आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो मैं मोबाइल से बता देता हूँ कि क्या होता है वहाँ पर। तो स्टार्ट नाउ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको, और उसके बाद यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग, ये मोबाइल रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप लोगों को दिखाई देगा, आप लोग साइड में देख सकते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सिंपली यहाँ पर आप लोग जैसे ही टीनक्राफ्ट को आप लोग सर्च करेंगे और प्ले स्टोर में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों जानता हूँ, यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। टीनक्राफ्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, टीनक्राफ्ट में आप लोगों को वो डाउनलोड करना है। उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आप लोगों को ये जो ये ऐड टाइप है एक प्रकार से, इसमें आप लोगों को वेट करना ही पड़ता है। सिंपली यहाँ पे हम हल्का सा वेट करेंगे, और यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन देगा कि हम ऐप कैसे वर्क करता है, क्या क्या आप कर सकते हैं उसके अंदर। तो सिंपली आप लोगों को टीनक्राफ्ट इसके बीच में आप लोग अभी आप जाके प्ले स्टोर से टीनक्राफ्ट को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा 2-3 मिनट टाइम लगेगा। तो सिंपली जब ये स्किप हो जाएगा तो मैं आप लोगों को आगे की प्रोसेस बता दूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन है, आप लोगों को पूरी सेटिंग्स अच्छे से जानना होगा, उसके बाद ही आप लोग इसमें वर्क कर पाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्किप करने के लिए वेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हल्का सा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्रिएट और ओन मूवी का यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डन आया है। और यहाँ पे हम जब डन में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोगों को इस समय आप लोगों को इंटरनेट ऑन होना चाहिए, तभी आप ये वर्क कर पाएंगे। सिंपल प्लस के आइकन में जैसे ही अपन लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। क्विक ट्यूटोरियल फॉलो और लेट्स स्टार्ट में अपन लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों को इस तरह का येलो कलर का बैकग्राउंड दिखाई देगा, कुछ ऐसे ही आप लोगों को ट्यूटोरियल दिखाई देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर कोई भी इमोजी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये फर्स्ट वाले को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे, और जैसे हम क्लिक करेंगे थोड़ा सा डाउनलोड होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप लोग इंटरनेट ऑन करने के बाद ही इसको डाउनलोड कर पाएंगे, तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इस तरह का इस इंटरफेस आएगा, वेट थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अपना ये जो कार्टून का क्रिएटर है, अपना एक्टर आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं यहाँ पर, और आगे पीछे करने के बाद इसके पैर हाथ और जो भी आप लोग हिला सकते हैं, कट बैठा उठा सकते हैं, चला सकते हैं, मुंडी हिला सकते हैं, और हाँ ना जो भी आप लोग चाहते हैं वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आपके मतलब इसके पूरे बॉडी पार्ट्स हिलते हैं तो आप लोग इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कि अपन लोग यहाँ पे बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड चूज़ करने के लिए आप लोग कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। बीच चाहिए आप लोगों को, चर्च चाहिए, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, कौन से कलर चाहिए आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे सिंपली कर लेता हूँ बीच के ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ। बीच के ऑप्शन में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हल्का सा वो भी डाउनलोड होगा, उसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम बीच में आ जाएंगे। और जब हम बीच में आ गए तो यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है ये बीच में आ चुका है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा टैप हियर टू रिकॉर्ड डायलॉग। डायलॉग को रिकॉर्ड करने के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे अलाउ करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे आप लोग का डायलॉग रिकॉर्ड होने लगेगा। जैसे मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ये भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग इसको जब पॉज कर देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद प्लस के आइकन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड जो है तो वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही इसको ऐड कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सिंपली जब ये रिकॉर्ड हो जाएगी तो आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है कि आप लोगों को यहाँ पे साउंड को अपने जो भी आप लोग यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिख जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको आगे ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे बैकग्राउंड है, म्यूजिक है, टेक्स्ट है, और इम्पोर्ट मतलब अपनी मोबाइल से गैलरी से आप लोग यहाँ पे कोई भी वीडियो को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आप लोग हेल्प ले सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को पूरी हेल्प मिल जाती है। यहाँ पे लाइव वीडियोस आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो सिंपली आप लोग इस तरह का वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे डायलॉग्स ऐड कर सकते हैं, और डायलॉग्स ऐड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, और हल्का सा और मेरे को डायलॉग ऐड करना पड़ेगा। ये जो ऊपर आप लोगों को ट्यूटोरियल प्रोसेस आप लोगों को दिखाई दे रही है तो ये थोड़ा सा और हो जानी चाहिए, मतलब फुल हो जाएगी तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको प्ले कर पाएंगे। और प्ले करने के बाद आप लोग यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं हम इसको, यहाँ पे गुड जॉब आ जाता है। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे इसको जो है तो डाउनलोड कर पाएंगे सिंपली। और डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को साइड में दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, ये है एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर फेसबुक या गूगल किसी से भी आप लोग लॉगिन होइए, और उसके बाद आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे गूगल से अगर लॉगिन हो जाता हूँ तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लूँगा गैलरी में, फिलहाल तो मैं नहीं करने वाला हूँ। तो अपन लोग यहाँ पे इसको क्विट करते हैं, बैक करते हैं, और यहाँ पे बैक कर लेते हैं। तो सिंपली आप लोग इस तरह से वर्क कर सकते हैं और अपनी कार्टून मूवी को बना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।